प्रताप सिंह के पिताजी इंडियन आर्मी में मेजर थे। उनकी इच्छा थी कि प्रताप सिंह भी एक सैनिक बने। तुम एक सैनिक के बेटे हो, तुम्हें भी सेना ज्वाइन करना ही चाहिए। पर पापा, मुझे सैनिक नहीं बनना, मुझे बिजनेसमैन बनना है। एक सैनिक के बेटे होकर देश सेवा के लिए नहीं बोल रहे हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस दिन मेजर सिंह ने प्रताप को बहुत समझाया, पर प्रताप ने ये सोच लिया था कि वो बिजनेसमैन ही बनेगा। कुछ दिनों बाद प्रताप को एक नमकीन की दुकान डालने का आइडिया आया। उसने अपना सारा प्लान बना लिया, अच्छे से रिसर्च की, एक हलवाई भी ढूंढ लिया और कुछ ही दिनों में प्रताप ने अपनी नमकीन की दुकान खोल ही ली, भारत नमकीन मार्ट। प्रताप की माँ दुकान की ओपनिंग में आई थी, पर मेजर सिंह नहीं आए। प्रताप अपने बिजनेस में जी जान से लग गया। वो सुबह से शाम तक अपनी दुकान में ही रहता, खुद भी ढेर सारा काम करता था। धीरे धीरे भारत नमकीन मार्ट में ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। प्रताप का बिजनेस चल पड़ा था। अब उसने और लोगों को काम पे रख लिया था और खुद काउंटर पे बैठा था। एक साल में प्रताप ने अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया था। वो बहुत खुश था। इस साल मैंने 10 लाख का प्रॉफिट कमाया है। उसने तुरंत एक चेक बनाया 2 लाख रुपए का इंडियन आर्मी के लिए, और एक दूसरा 2 लाख का चेक बनाया विडो फाउंडेशन के लिए। बचे हुए 6 लाख रुपयों से प्रताप ने दूसरे मार्केट में एक नई दुकान खोली। अब उसका बिजनेस बढ़ रहा था। जल्द ही उसकी 3-4 और दुकानें खुल गईं। लेकिन हर साल वो अपने प्रॉफिट का 20% आर्मी को डोनेट करता था और 20% आर्मी में शहीद हुए जवानों की विधवाओं के लिए। एक दिन मेजर सिंह अपने घर में बैठे थे कि उनका दोस्त हरविंदर उनसे मिलने आया। ओए सिंह, अरे हरविंदर, कैसा है तू मेरा यार? एकदम मस्त, बढ़िया। अरे लवली, लस्सी दे, समोसे ले आ, हरविंदर आया है। हाँ बाबी जी, और आपकी स्पेशल चाय भी। और बता, आज कैसे याद आई तुझे मेरी? अब सेलिब्रिटी को कौन भूल सकता है? सेलिब्रिटी? हाँ, तेरा नाम तो आर्मी के हर जवान के नाम पे है। मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? अब तू हर साल करोड़ रुपए आर्मी को डोनेट करेगा तो तेरा नाम फेमस नहीं होगा? मैंने डोनेट किया। और तो और, तू तो आर्मी में शहीद हुए जवानों की विधवाओं की भी मदद करता है। सरकार टाइम पे बोनस दे ना दे, तेरा नाम का चेक हमेशा समय पर आ जाता है। मेजर सिंह कंफ्यूज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि हरविंदर बोल क्या रहा है। हरविंदर के चले जाने के बाद मेजर सिंह ने अपनी पत्नी से पूछा, तो उन्होंने बताया कि प्रताप सिंह हर साल मेजर सिंह के नाम से आर्मी और विधवाओं के लिए पैसे डोनेट करता है। पर उसको तो पैसे कमाने का शौक था ना? आपका पुत्र है, देशभक्ति तो होगी ही। मेजर सिंह को अब समझ आया कि सेना में होकर ही देश सेवा नहीं होती। वो अपने बेटे से मिलने उसकी दुकान पर गए और प्रताप पापा को देखकर फूले ना समाया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन से मेजर सिंह भी अपने बेटे के बिजनेस में उसकी मदद करने लगे और खुद अपने हाथों से आर्मी के जवानों और उनकी विधवाओं को डोनेशन देने लगे। देखा लवली, मेरे बेटे ने प्रूव कर दिया कि वो मेरा पुत्र है, सच्चा देशभक्त। मुझे तो पहले से ही पता था। मीना बाजार में हमेशा औरतों और लड़कियों की भीड़ लगी रहती है और इसी का फायदा पास ही के रहने वाले कुछ छपरी लड़के उठाते हैं। उनका जिस पे मन आया बस उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे ओ मैडम, जरा पलट के तो देखो।
आए है, लड़की नहीं कयामत है, पीछे से ही आग लगाती है, सोच पलटेगी तो क्या होगा। वो लोफर उस लड़की को छेड़ते रहे। वो लड़की आसपास व्यापारियों की ओर देखती रही, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। सभी चुपचाप खड़े देखते रहे। कई बार इन लोफरों को पकड़ने पुलिस भी आई, पर ये इतने शातिर थे कि कभी उनके हाथ नहीं आए। फिर एक दिन मदन ने मीना बाजार में अपनी साड़ियों की दुकान खोली। मदन एक अनाथ था। मदन का आज पहला दिन था। वो ग्राहकों का इंतजार कर रहा था, तभी उसका ध्यान दो छोटे लड़कियों पर गया, मीना और पायल। दोनों लगभग 15-16 साल की होंगी। मीना को मदन की दुकान की कई साड़ियाँ बहुत अच्छी लगी। वो पायल को वही साड़ियाँ दिखा रही थी। भैया, वो ऊपर गुलाबी साड़ी है ना, उसका क्या दाम है? वो 500 रुपए की है। अरे बाप रे, कोई नहीं, परसों रक्षाबंधन में गिफ्ट में जो पैसे मिलेंगे उससे खरीद लूंगी। भैया, आप वो साड़ी किसी को मत बेचना। ठीक है। मीना और पायल मदन की दुकान से थोड़े आगे ही बढ़े थे कि वही छपरी लड़के उन्हें छेड़ने लगे। ये तो बिल्कुल कवला माल है, इसको देख, इसके तो गाल भी टमाटर जैसे लाल हैं। मन कर रहा है इन्हें अभी खा जाऊं। उन लड़कों ने दोनों लड़कियों को घेर लिया और अनाप शनाप बोलने लगे। दोनों लड़कियां डरी हुई थीं। उनमें से एक लड़का मीना को छूने ही वाला था कि मदन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। अबे छोड़, छोड़ मुझे, तू हमें जानता नहीं, छोड़ दे उसे। मदन ने दूसरे लड़के की गर्दन पकड़ ली। पहले वाले का हाथ मदन ने झटके में ट्विस्ट कर दिया। फिर दूसरे वाले को मदन चाटे पे चाटे मारने लगा। कौन है तू, एक आवारा लोफर? माफी मांग दोनों से, अभी माफी मांग। माफ कर दो हमें, माफ कर दो बहन। अब तुझे बहन याद आ रही है? वो लड़के जैसे तैसे मदन से पीछा छुड़ा कर भाग निकले। दोनों लड़कियों ने मदन को थैंक यू बोला और अपने घर चली गईं। इन सब के बाद जब मदन अपनी दुकान पर बैठा था तो कुछ व्यापारी उसके पास आए। किसको मारोगे? क्या मतलब आपका? इस मार्केट में ऐसे कई लोफर छपरी लड़के हैं जो आए दिन किसी ना किसी लड़की को छेड़ते रहते हैं, तो आप लोग कुछ क्यों नहीं करते? किया था, पुलिस भी आई थी, पर सारे लड़के भाग निकले। और हम सब की उम्र नहीं है इन लड़कों को सबक सिखाने की। मेरे पास एक आइडिया है। मदन ने उन सब व्यापारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। हम सब इस ग्रुप में हैं। जब भी आप लोगों को ऐसा कुछ होता दिखाई दे तो तुरंत एक फोटो खींचकर इस ग्रुप में शेयर करें और किसी भी बर्तन जैसे थाली टॉप वगैरह को पीट कर सबको अलर्ट कर दीजिए। आप अकेले उन लड़कों को सबक नहीं सिखा सकते, पर हम सब मिलकर तो कर सकते हैं। मदन का ये आइडिया सुनकर सभी व्यापारी खुश थे। अगले दिन जब कुछ लोफर लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे तो एक बूढ़े व्यापारी ने फोटो खींचकर ग्रुप में डाल दी और थाली को जोर जोर से पीटने लगा। मदन तुरंत वहां आ गया और उन लड़कों की धुलाई करने लगा। दूसरे व्यापारी ने पुलिस को कॉल किया। कुछ देर में पुलिस आ गई और उन लोफरों को पकड़कर ले गई। दो दिन बाद मदन अपनी दुकान पर बैठा था। आज रक्षाबंधन था। अचानक मदन की दुकान पर मीना आई राखी और पूजा की थाली लेकर। मीना ने मदन को राखी बांधी।
थैंक यू भैया, मैं आपकी बहन नहीं, पर फिर भी आपने मेरी रक्षा की। आप इस राखी के सही हकदार हैं। थैंक यू। मदन बहुत खुश था, पहली बार किसी ने उससे रिश्ता जोड़ा था। मीना जा ही रही थी कि मदन ने उसे रोका। ए छुटकी, यहाँ। जी भैया। मदन ने मीना के हाथ में एक बॉक्स रख दिया। थैंक यू भैया। मीना को उसकी पसंदीदा गुलाबी साड़ी गिफ्ट में मिल गई, और मदन जो एक अनाथ था उसे एक बहन मिल गई। हैप्पी रक्षाबंधन।